सोलाना 2029 तक $3200 का होगा। सोलाना इस वक्त भी एक बहुत बड़े पंप की तैयारी कर रहा है। अगले 3 महीने सोलाना के लिए इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट्स को अपनी चेन पर लॉन्च करने की तैयारी में है। एक बार फिर सोलाना का डंका बजने को तैयार है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर बात करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं रिहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा, तो लेट्स डाइव इन। लोग अक्सर कहते हैं कि सेंटों वाला टोकन बताए जो ज्यादा आए। यार ये बात मेरी समझ से बाहर है, तो प्लीज मेरे पास ऐसी बातों का जवाब नहीं। सेंटों वाला जाहिलाना टोकन जो चले ही ना, उसका क्या फायदा। खैर, सोलाना का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं रहा। इसकी वजह टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये बार बार बंद होती है, ये बार बार रिस्टार्ट होती है। इस वजह से ये मेरा कभी फेवरेट टोकन नहीं रहा, ना कभी ये मेरे top 10 टोकन में रहा है। इन्हीं मिसाइल की वजह से डेवलपर्स ने सोलाना पर काम छोड़ दिया था। लोग इस पर प्रोजेक्ट्स बना ही नहीं रहे थे, लेकिन ये काफी मशहूर टोकन है, तो मैं लोगों को इसकी अपडेट देता रहूंगा। मैं बहुत सी चीजों को अच्छा ना भी समझूं तो भी अपडेट देता हूं। इसमें मैं अपनी राय भी दे देता हूं, ताकि कोई कम अज कम ये ना कहे कि मैं बायस्ड हूं। कोई ये ना सोचे कि मैं जालसाजी करके सिर्फ एक खास किस्म की मालूमात देता हूं। इस वजह से मैं हर अच्छी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इसका मकसद किसी तौर पर भी ये नहीं होता कि आपको किसी टोकन को बाय करने या बाय ना करने पर कायल करना हो। मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझे देखते हैं उनके पास सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन मौजूद हो, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी रिसर्च को फर्दर एनहांस करके अपने फैसले लें। अब वैनक ने इस पर बहुत बड़ी एक प्रिडिक्शन की है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये 2029 तक बुल केस में कम अज कम $3200 का होगा। इनकी प्रेडिक्शन बहुत ही मजेदार है, जिस पर इनकी पूरी रिसर्च मौजूद है। इसके अलावा इन्होंने बेयरिश केस में बताया है कि ये अगर कुछ भी ना कर सका तो $9 से नीचे नहीं जाएगा। ये कैसी रिपोर्ट है जहां इनका ख्याल है कि ये प्रॉफिट्स में इथेरियम को भी शिकस्त दे देगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अब बात करते हैं अगले 3 महीने की। तो अब इनकी टीम ने नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है। इन लोगों ने फैसला किया है कि नए डेवलपर्स को सोलाना पर लाया जाए, ताकि बुलरन में पैसे कमाए जा सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि डेवलपर्स ऐसी चीजें बनाएं कि लोग इस पर आए, लोग सोलाना का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर इस्तेमाल ही नहीं होगा तो भाई पैसे कैसे कमाएंगे। तो इसके लिए पहले इसका यूज केस बनाना होगा। तो अब टीम को बिलाआखिर होश आ गया है। इन्होंने नए डेवलपर्स को लाने के लिए इनक्यूबेटर प्रोग्राम शुरू किया है। ये $1 बिलियन का प्रोग्राम है, जिसमें नए डेवलपर्स को प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में मदद देने के लिए भरपूर माली मदद की जाएगी, यानी उन्हें प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग दी जाएगी, ताकि वो ना सिर्फ प्रोजेक्ट बनाए बल्कि सोलाना से बैक टोकन भी बनाए। इससे दो किस्म का फायदा होगा। एक तो नए लोग नई डेप्स बनाएंगे, जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे वैसे इनके अपने टोकन्स की प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि सोलाना चेन इस्तेमाल होगी, तो इससे सोलाना की प्राइस भी बढ़ेगी। सोलाना की प्राइस किसी भी वजह से बढ़े, इनके टोकन्स को भी फायदा होगा और वो भी पंप करेंगे। अब ये एक ऐसी विन विन स्ट्रेटजी है, लेकिन इसके लिए सोलाना ने अपनी गवर्नेंस से एक बहुत बड़ी तादाद में सोलाना हासिल किए हैं, लेकिन वो मार्केट को बचाने के लिए और सोलाना के प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ये बात भी यकीनी बना रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट उनके टोकन को डंप ना कर सके। यानी जो भी टोकन दिए जाएंगे उसके बेचने की इजाजत सोलाना टीम से ली जाएगी। 10% से ज्यादा किसी भी सूरत में बेचे नहीं जा सकेंगे, और इनकी टीम्स को कम अज कम 5 साल सोलाना के ऊपर डेवलपमेंट करनी होगी। इस काम के लिए 20 नवंबर तक एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। तो अगर आप में से कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता है या उसके पास कोई आइडिया है, तो वो भी अपना प्रपोजल जमा करा सकता है, ताकि उसके बाद वो फंडिंग हासिल कर सके और काम कर सके। ये डेवलपर्स के लिए बहुत अहम चीज है। अब आप सोचेंगे कि 3 महीने में तो कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तो फिर 3 महीने में सोलाना की प्राइस क्यों पंप होगी।
तो ये भी एक अलहदा साइंस है। ये दिसंबर तक ऐलान कर देंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट्स फाइनल कर लिए हैं। अब फर्ज करते हैं कि ये कहते हैं कि हमने 200 प्रोजेक्ट्स को फाइनल कर लिया है। ये 200 प्रोजेक्ट्स अगले 10 महीने में लॉन्च हो रहे हैं। अभी इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सोलाना टीम ये नंबर्स लेकर इन्वेस्टर्स के पास जाएगी, जिन्हें हम VC कहते हैं। वो बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनसे ऐसी ऐसी कमाल किस्म की डैप्स हम पर बन रही हैं, तो हम सब की फाड़ कर रख देंगे, बस आप हमारे टोकन में इन्वेस्ट कर दें। हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट अगले एक साल में 10 गुना हो जाएगी। तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, टोकन की फिर प्राइस पंप करेगी। अब वो लोग बहराज पैसा नहीं देते, वो लोग सोलाना की टीम से सोलाना खरीदेंगे। वो फिर मार्केट प्राइस पर सोलाना खरीद कर सोलाना की टीम को इनडायरेक्ट फंडिंग करेंगे। ये कई मिलियन डॉलर्स की फंडिंग होती है। ये आमतौर पर OTC ट्रेड कहलाती है, जिसमें ओवर द काउंटर आप टोकन खरीदते हैं। ये प्राइस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है। सोलाना की टीम ने पिछले बुल रन में भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट हासिल की थी। सोलाना चेन पर पिछले बुल रन में NFT मार्केट के सिवा कुछ भी खास नहीं था, लेकिन फिर भी ये मुसलसल पंप करती रही। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ VC फंडिंग थी। हाँ, NFT क्रेज के दौरान इनकी चेन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी, इसी वजह से बार बार बंद भी हुई, लेकिन इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जिसका आप कोई ज्यादा जिक्र करें। लेकिन अब ये लोग इंतहाई संजीदगी से ये मसला हल करना चाहते हैं। ये लोग अब अच्छे डेवलपर्स को ला रहे हैं, ये सिर्फ नए लोग नहीं बल्कि मार्केट में मौजूद अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी अपनी चेन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मकसद के लिए बहुत बड़ी रकम भी खर्च कर रहे हैं, पैसा भी बहा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर यह जरूर है कि इनकी अपनी ब्लॉकचेन में इतनी सलाहियत मौजूद नहीं, लेकिन ये सवाल उस वक्त खत्म हो जाते हैं जब प्राइस पंप करती है। जैसे जो बातें मैं अब कर रहा हूं, ये तमाम बातें एक साल बाद इररेलीवेंट होंगी, कोई भी ये जानने में दिलचस्पी नहीं लेगा। आप भी उस वक्त मुझे, मैं अगर इस तरह की बातें करूंगा, मुझे नहीं सुनेंगे कि यार ये ब्लॉकचेन के मसाइल क्या हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, इसको फिर कोई नहीं देखता ना सुनता, सब बस अपनी अपनी कहानी पर यकीन करेंगे। उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा सच प्राइस होगा, कि कौन सा टोकन उनको मुनाफा दे रहा है, कौन सा टोकन उनके पैसे डबल कर रहा है, बाकी बातें सब बकवास होंगी। इस वजह से अभी इन मसाइल को समझ लें, ये भी समझ लें कि प्राइस कैसे पंप होती है, क्योंकि इस वक्त अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऐसी चीजों से बचाना और उनको अच्छे अंदाज में गाइड करना आप सबकी जिम्मेदारी होगी। अगले सितंबर के बाद पूरी दुनिया बिटकॉइन और क्रिप्टो में होगी, तब शायद मेरी बातें बहुत से शोर में दब जाएंगी, लोग मुझे बेकार समझेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब मिलकर उस वक्त अपने प्यारों को बचाएंगे। बस इसी उम्मीद पर मैं काम करता चला जा रहा हूँ। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हो सके तो कमेंट में अपनी राय इसका जरूर आगाह करें कि आप सोलाना को कैसे देखते हैं, आपके ख्याल में सोलाना किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या आप इसको अच्छा समझते हैं। और प्लीज़ चैनल की घंटी ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।